अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इनोवेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती हुई चली जाएगी। तो दोस्त मैं यही कहूँगा आपको, अभी भी अगर चैनल पर आप नए हैं तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मैं पहुँच चुका हूँ भागलपुर, और आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने मैं अब वाला है। यहाँ से ऑटो लूँगा और उसके बाद मैं सीधे सैंडिस कंपाउंड पहुँच जाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार आज की वीडियो होने वाली है। मैं अब तमाम लोगों से यही कहूँगा, अगर इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, इनोवेटिव काम करना है, इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली आपको वीडियो का आखिर आखिर वक्त तक देखना चाहिए। क्योंकि देश भर से गिने चुने लोग यहाँ पर आएंगे, उनसे हमारी बातें होंगी, मुलाकात होगी। आईपीएस पदाधिकारी से लेकर मंत्री महोदय सैयद शाहनवाज साहब भी आने वाले हैं, तमाम लोगों से बातें होंगी और इसको अच्छा एक ऊंचाई मिलने जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं पहुंच चुका हूं भागलपुर के सैंडिस ग्राउंड में, और जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जो यहां आया हूं एग्जीबिशन के लिए, कॉर्न हस्क प्रोडक्ट का एग्जीबिशन है। और ब्लॉग पर बने रहिएगा, ताज़ा अपडेट आपको हम टाइम टू टाइम देते हुए चले जाएंगे। ये हो गया गेट, इंट्रेंस गेट। मंजूसा महोत्सव आयोजक उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना। ये आपका आपके अंदर का दृश्य है जिसमें सबको एक एक स्टॉल दिया जाएगा। 50 लोगों का सिलेक्शन है और अभी तक कोई लोग आए नहीं हैं। मैं लगभग 6 बजे के आसपास भागलपुर की धरती पर कदम रख दिया हूँ। देखिए, ये हो गया एक स्टॉल, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा है। मैं बताता चलूँ, चलिए दोस्तों, ये थोड़ा नज़ारा है ग्राउंड का जहाँ पर प्रोग्राम होना है। बहुत ही शानदार इंतज़ाम किया गया है, बहुत ही बेहतरीन है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मैं अब स्टॉल लगाने वाला हूँ और इसके बाद आपको अपडेट देता हुआ चला जाऊँगा। इसके लिए ये हो गया प्रोग्राम जहाँ पर होना है, मंच कहिए, ये मंच हो गया आपका। ये लगभग 50 स्टॉल लगा हुआ है और इसी में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा। देश भर से धुरंधर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स को वो दिखाने वाले हैं। ये प्रोडक्ट मेरा हो गया, सफर में धूप तो होगी तो चल सकूँ तो चल। ये सर है मक्के का, ठीक है। ये कॉर्न हस्क से बना हुआ है और आज हवा बहुत तेज है। मैं चाहता हूँ कि फैन को ऑफ करवा दूँ। किसी इलेक्ट्रीशियन साहब से अगर मुलाकात हो भाई साहब, तो थोड़ा इलेक्ट्रीशियन साहब को बोलिएगा कि हमारे यहाँ का फैन जो है ऑफ कर दे। ये है प्लेट, ठीक है, ये है प्लेट, प्लेट प्लेट। इतना दूर हो गया ना, क्या हो गई, प्रोडक्ट्स पे मैंने कुछ सामान रख दिया, मैंने नहीं रखा, इत्तेफाक से एक जनाब थे, बस उन्होंने प्रोडक्ट पे कुछ सामान रख दिया और इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। खैर, फिर भी प्रोडक्ट बहुत ही खूबसूरत है। ये छोटी कटोरी, ये छोटी कटोरी है, चलिए। कैमरामैन वाले भाई साहब, अब थोड़ा सा उधर भी दिखा दीजिए और थोड़ा फ्रंट ले लीजिए, एक प्रोग्राम क्या है नहीं है लोगों को पता चलना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, ये निदा फाजली साहब ने कहा था। तो डेफिनेटली थोड़ा तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और जो भी आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये सैंडिस कंपाउंड का ग्राउंड है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और मैं सीधे सीधे आपको ले चलूँगा
जो एक बड़ा सा पोस्टर जो लगा हुआ है या बैनर कहिए वो लगा हुआ है, वहाँ तक मैं आपको ले चलता हूँ और उसको आप देखेंगे कि किस तरीके का प्रोग्राम है। और आज लगभग शाम में 4 बजे के आसपास बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का पदार्पण यहाँ पर होगा और मैं सीधे आपको ले चलता हूँ कि वो कहाँ पर बैठेंगे और उनका क्या मंच होगा। देखिए, ये चारों तरफ स्टॉल का सिस्टम है और ये जो बीच में आप देखते हैं जो मतलब ये जो पंडाल लगा हुआ है, ये यहाँ पर सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जो रेड कारपेट आप देख रहे होंगे इसी रास्ते से वो जाएंगे। जो हो गया मंजूषा महोत्सव, आपने पढ़ लिया होगा मंजूषा महोत्सव, जिस तरीके से मधुबनी पेंटिंग्स होती है उसी तरीके से भागलपुर का ये मंजूषा महोत्सव है। और ये देखिए आप, और सबसे ख़ास बात है कि सैयद शाहनवाज हुसैन जब आएंगे तो हर एक स्टॉल पर जिनका जो काम है इनोवेटिव काम उसको वो बहुत ही करीब से देखेंगे, जायज़ा लेंगे और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके माध्यम से हम बिहार के कोने कोने तक ही नहीं देश के कोने कोने तक हमारी बातें आसानी के साथ पहुंच जाएगी। तो इतना करना पड़ता है, करना ही चाहिए। तो ये हो गया मंच, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता है, आगे बढ़ने के लिए सब चीज़ें करनी पड़ती है और करना ही चाहिए। आपके लिए कोई दूसरा आदमी तो नहीं आएगा ना, अगर आप काम करते हैं, आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ही आगे आना पड़ेगा, आपको ही दौड़ भाग करनी पड़ेगी। हर दौड़ में होता हुआ चला आया है, आप बच नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ पर लगभग 1 हफ्ते का प्रोग्राम है, यहाँ पर रहना पड़ेगा, रहने का इंतज़ाम वगैरह भी है, अच्छा है। और मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान को, जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करवाया। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार के माध्यम से उद्योग विभाग का यह प्रोग्राम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार और अच्छा। देखिए, ये बैनर वगैरह लगा लग चुका है मेरा, बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत मेरे अंदाज़ में तो है ही है। और ये देखिए, मेरे स्टॉल श्री मोहम्मद नाज उजैर लिखा हुआ है, किस तरीके से फ्रंट व्यू हो गया, अभी तक जितना भी न्यूज़पेपर में कंटेंट वगैरह आया है वो सब चीज़ें यहाँ पर आ रही होगी। आप जो संभव हो सका है, जो मुमकिन हो सका है, उसको एक छोटी सी पिक है। देखिए, इस तरह की प्रोडक्ट्स मेरी रखी हुई है, लोग आते हैं, ये सब छोटा छोटा शाम का वक्त बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा कि आपको मैं दिखा दूँ। और एक छोटा सा प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत और अच्छा, मेरा जो भी पेपर कंटेंट यहाँ पर मैंने लगा दिया था, मिलना भी चाहिए जाती है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इससे पहले मैं ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को आसानी में इसको लोग कलेक्ट करके ले गए। और उसके बाद मैं सीधे आपको ले चलता हूँ जो नेक्स्ट डे जो न्यूज़पेपर में आया, आप देखिए इसको पढ़ेंगे आप, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के संस्थापक मतलब निदेशक साहब जो हैं अशोक सिन्हा, उन्होंने जो है खादी मॉल में प्रोडक्ट को देने की बात कही है, तो बहुत ही अच्छा।